नमस्कार, जनतंत्र टीवी देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ स्वाति आर्य। हमारे इस खास बुलेटिन में आप सभी का स्वागत। और रुख सबसे पहले कानपुर का करेंगे। कानपुर के बेकनगंज में शुक्रवार को हुई हिंसा के मामले में 3 एफआईआर दर्ज की गई हैं। इनमें से 2 एफआईआर पुलिस की तरफ से जबकि तीसरी एफआईआर मारपीट और तोड़फोड़ के शिकार हुए शख्स की ओर से दर्ज कराई गई है। एफआईआर में 40 लोगों को नामजद आरोपी बनाया गया है तो वहीं 1000 अज्ञात लोगों को भी आरोपी बनाया गया है। बता दें कि मामले में अब तक 35 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। इन आरोपियों पर गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई की जाएगी, उनकी संपत्तियों को जब्त किया जाएगा और बुलडोजर भी चलेगा। तो बड़ी खबर आपके टीवी स्क्रीन पर। तो बड़ी खबर आप तक पहुंचाई जा रही है। आपको बता दें कि इस मामले में अभी तक 18 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है और आरोपियों पर गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई की जाएगी। आपको बता दें कि यूपी के एडीजी लॉ एंड ऑर्डर की तरफ से ये भी बताया गया है कि इस मामले में कई फुटेज मिले हैं, सीसीटीवी कैमरों को खंगाला जा रहा है, उसी के बेसिस पर आरोपियों की पहचान की जा रही है। 18 आरोपी हैं जिनको गिरफ्तार किया जा चुका है और सभी आरोपी जो भी इस मामले में दोषी पाए गए हैं उनके ऊपर गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई की जाएगी।